गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पांचवें पाठ का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चैप्टर हमारा कौन सा है? फिफ्थ। इसकी एक्सरसाइज करेंगे आज, अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको फर्स्ट क्वेश्चन का उच्चारण बताया गया था, सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट कर चुके थे। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस क्या था? ब्लैंक बकाय असी। इसमें मैंने क्या फिल किया था? तुम बकाय असी। बकाय क्या होता है? बगुला। तुम बगुले हो, एक के लिए आया तुम। नेक्स्ट, तुम किम ब्लैंक। तुम किम, अब यहां ब्लैंक आ गया, सेंटेंस क्या बन रहा है कि तुम क्या करते हो? तो करना क्री धातु, तो यहां हो जाएगा करोसी। तुम किम करोसी, तुम क्या करते हो? ठीक। नेक्स्ट है यूयम तापशास्त्र। तापसा क्या होता है? तपस्वी। तो यूयम ये बहुवचन आ रहा है, तापसस्थ है। यहां ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां मैंने यूयम किया है क्योंकि ये बहुवचन है। सत स्थ होता है वो द्विवचन होता है, सी थे थे। तो यूयम तापसा स्थ कि तुम सब तपस्वी हो। नेक्स्ट है यूयम परस्परम ब्लैंक। यूयम परस्परम, ब्लैंक है यहां कि तुम सब आपस में परस्पर, परस्पर का मतलब आपस में, नमत, नमत का मतलब नमस्कार करते हो, नमसी नमथ नमत। तुम आपस में एक दूसरे को नमस्कार करते हो, नम धातु, नम से नमस्कार करना। फिर है नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर सेकंड के चल रहे हैं हमारे। ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड सेंटेंस था, ये थर्ड हो गया इसमें। फिर है ब्लैंक वायु यानी सत। ब्लैंक वायु यानी सत, आप ये देख लेंगे ये असी स्थ सत आते हैं, जिसमें विसर्ग लगे हुए होते हैं वो द्विवचन का होता है, जिसमें विसर्ग नहीं रहते वो बहुवचन का है। तो यहां पर ये क्या है? बहुवचन का है। तो बहुवचन के लिए क्या आएगा? यूयम, तुम, युवाम, यूयम। अगर विसर्ग लगे रहते तो यह हम क्या करेंगे? युवाम। और विसर्ग नहीं है तो ये क्या है? बहुवचन का है। तो यह क्या हो जाएगा? यूयम। यूयम वायु यानी सत कि तुम सब क्या हो? वायुयान हो, हवाई जहाज हो। इस पिक्चर को देखते हुए ठीक है। उसके बाद है यूयम ब्लैंक, तुम सब क्या करते हो? अब हवाई जहाज क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो यूयम ब्लैंक, ये ब्रैकेट में दिया है उत प्लस पत, पत धातु, उत्पत, उत्पत का मतलब गिरना, उत्पत्ति। यहां पर क्या कर रहा है? उड़ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उत प्लस पत, तो उत्पतत, उत प्लस पत, ये ब्रैकेट में दे रखा है। अब यही शब्द क्या हो जाएगा? उत्पतत। यूयम, तुम सब क्या करते हो? उड़ते हो, उत्पतत। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक सेविके स्थ। अभी मैंने आपको बताया था ब्लैंक सेविके, अब सेविका स्त्रीलिंग है, सेविका सेविके स्थ। अभी बताया था नहीं कि जहां विसर्ग है वो द्विवचन का होता है, यहां सत आ रहा है, ये बहुवचन है, तो यहां यूयम आया है। अब सेविके स्थ, तो ये सेविकाएं जो काम करने वाली हैं, द्विवचन आ रहा है, तो यहां पर इसमें क्या आ जाएगा? द्विवचन के लिए क्या बताया था स्टार्टिंग में, हेडिंग में ऊपर क्या था चैप्टर में? तुम, युवाम और यूयम, ये मध्यम पुरुष के लिए आए थे,
मध्यम पुरुष एकवचन, द्विवचनम, बहुवचनम। तो दो के लिए क्या आएगा? युवाम। तो युवाम सेवी के स्थ, युवाम सेवी के स्थ कि तुम दो सेविकाएं हो, काम करने वाली हो। फिर है युवाम कार्यम, युवाम तुम दोनों कार्यम, अब काम क्या करती हैं? करती हैं तो करोसी कुरुथ है, कुरुथ क्री धातु, ब्रैकेट में दे रखा है क्री धातु, क्री का मतलब करना, क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। तो यहाँ क्री धातु जब हम लगाएंगे मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? करोसी कुरुथ है, कुरुथ। तो दो के लिए क्या हो जाएगा? कुरुथ है, तुम दोनों काम करती हो, दो सेविकाएं हैं तो ये दोनों सेविकाएं क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा सेकंड क्वेश्चन का, ब्लैंक बालको स्थ, ये अब आप फिल कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया बालको, बालक क्या होता है? पुल्लिंग, और स्थ अभी अभी बताया था, स्थ बालक का रूप चलता है बालक, बालको, बालका। तो हमें दो चीजें मिल रही है, पता चल रहा है कि किसका ये द्विवचन शब्द है, एक तो आ गया बालको, फिर आ गया स्थ। तो यहाँ स्थ के लिए क्या जाएगा? युवाम, तुम दो बालक हो, युवाम, युवाम बालको स्थ, तुम दोनों क्या हो? बालक हो। अब दोनों बालक क्या कर रहे हैं? वो बच्चा बोल रहा है इनको युवाम क्रीड, क्रीड धातु का मतलब खेलना, तुम दोनों क्या कर रहे हो? खेलते हो, बच्चे तो खेलते हैं। युवाम ब्लैंक, ब्रैकेट में दे रखा है क्रीड धातु, क्रीड का अर्थ होता है खेलना। अब दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? खेलते हैं, तो यहाँ क्रीड है। नेक्स्ट है किम ब्लैंक आम्रम असी, आम्रम होता है आम, आम का फल होता है आम्रम असी। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुम फल हो, तो तुम के लिए क्या जाएगा? तुम किम तुम आम्रम असी, क्या तुम आम हो? अब आम का फल है पेड़ से नीचे गिर रहा है, गिरने को क्या कहते हैं? पत, पत धातु होती है, पत का मतलब गिरना। तो वो बोल रहा है तुम पतसी, तुम गिरते हो। तुम मध्यम पुरुष आ रहा है, मध्यम पुरुष एक वचन, तो पतसी सी थे पतती पतते पतंती पतसी पत थे पतथ पतामी पताव पताम, तो तुम पतसी तुम गिरते हो। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें देखो क्या दिया है, इसमें दिया है ये तीन कॉलम दिए हैं, आपके पास बुक होगी, सभी के पास अपनी बुक में देखिए कॉलम क, ख और ग। तो प्रत्येक स्तंभ से पद लेकर आपको वाक्य बनाना है, इसमें ये नौ शब्द दे रखे हैं, तो इनमें क्या करना है? हमें एक शब्द क से लेना है, फिर ऐसे चूज करना है कि इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो एक वाक्य बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। इसमें दिया है प्रत्येक स्तंभ से पद लेकर वाक्य बने, हमें वर्ड लेने हैं और शब्द लेने हैं एक एक। तो सबसे पहले देखो कॉलम क, इसको इरेज करके अच्छे से समझाती हूँ, देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर थर्ड देखिए, इसमें क्या दिया है? कॉलम, तीन कॉलम दी गई, एक है क, एक है ख और थर्ड है ग।
अब ये शब्द आप अपने बुक में देखेंगे, मैं जो इनका आंसर आएगा वो लिख रही हूँ, आप देखते जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट का देखिए, कै के सामने फर्स्ट में है स, इसको लेते हैं। स का अर्थ होता है वह। अब इसमें बुक में दिया है कै का कोलम खै में मंडुकै, मंडुकै का अर्थ होता है मेंढक, मंडुकै का क्या होता है मेंढक, स वह। अब यहां मैं लिख रही हूं, यहां आ जाएगा मंडुकै, स मंडुकै। अब स क्या है, प्रथम पुरुष एकवचन, तो है के लिए क्या आएगा अस्ति, स मंडुकै अस्ति। वाक्य क्या बन गया, वह मेंढक है, स मंडुकै अस्ति। तीनों कॉलम से हमने एक एक शब्द ले लिया, वाक्य बन गया पूरा, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे करेंगे आप। सेकंड में क्या दे रखा है, तव, तव का मतलब क्या होता है, से मीन्स वह, तव मीन्स वे दो, से तव ते, तो तव का मतलब वे दो। अब वे दो इसमें सेकंड में देखेंगे हम, द्विवचन का ऐसा शब्द फाइंड करेंगे जिसमें तव नरव, द्विवचन का शब्द नरव आ रहा है, नर होता है मनुष्य, तव नरव। अब इसमें देखिए द्विवचन, अब इसमें आ रहा है चल धातु से चलते, चलती चलते। अभी सेंटेंस हमारा वाक्य पूरा बन गया, क्या हो जाएगा, वे दो मनुष्य चलते हैं, तव वे दो, नरव नर होता है मनुष्य, वे दो आदमी चलते हैं, जा रहे हैं वो चल रहे हैं, चलती चलते। तो ये सारे द्विवचन हम क्या आ गए, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, ऐसा, ऐसा क्या होता है, यह है पास के लिए, अभी स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है, सा स्त्रीलिंग होता है, तो ऐसा। अब इसमें खे कॉलम में देखिए आप स्त्रीलिंग का शब्द लेंगे, यहां स्त्रीलिंग का है लेखिका, ऐसा लेखिका। अब इधर क्या हो जाएगा, लेखिका के साथ लेखिका कौन होती है, लिखने वाली, तो लिखने का कार्य कर रही है, लिखती। ये जो लेखिका है वो क्या कर रही है, लिख रही है, सेंटेंस बन गया, यह लेखिका लिखती है, लिखने वाली है, वो लिखने का कार्य कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा हमारा, फोर्थ है एते, ऐसा एते एता, ठीक है। तो एते ये दो, दो के लिए आ गए। अब इसमें क्या आएगा, तत ते तानी ते एते, ये नपुंसकलिंग शब्द आ रहा है, तो एते पुष्पे, पुष्प होता है फूल, ये दो फूल क्या है, हैं, तो हैं अस्ति स्तय, दो के लिए स्तय आ जाएगा, अस्ति स्तय संति, बहुवचन होता तो संति आ जाता, एते पुष्पे स्तय, तत ते तानी पढ़ाया था आपको नपुंसकलिंग, तो पास के लिए क्या हो जाएगा, एतत एते एतानी, एते पुष्पे स्तय, ये दो फूल हैं, कितने फूल हैं, दो। फिफ्थ हो जाएगा हमारा ता, सा ते ता, ता बहुवचन आ रहा है स्त्रीलिंग का, तो स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे इनमें जितने हो गए हैं उनको आप यहाँ नंबरिंग में डालेंगे कि ये मैंने कर दिए, ये वर्ड मैंने फर्स्ट में ले लिया, ये सेकंड में ले लिया, ये थर्ड में ले लिया, ऐसे इस कॉलम में भी आप नंबरिंग डाल लेंगे अपने, और नोटबुक में आप इसको सीधे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ता, अब ता स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है, बहुवचन है, तो यहाँ आप फाइंड करेंगे स्त्रीलिंग बहुवचन में हमेशा विसर्ग लगे मिलेंगे आपको शब्दों में, तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द और विसर्ग हो शब्द आ रहा है कलिका, कलिका कली, कली कलिका क्या होती है, कली, तो कलिका कली के कलिका, एक कलिका आ रहा है कली, फूल के कली, तो कलिका का अर्थ क्या होता है, कली, ता कलिका बहुवचन, ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन हो गया ता, फिर ये है कलिका। अब इधर क्या आ जाएगा, कली क्या करती है, खिलती है, तो विकसति, विकसत है विकसंति, बहुवचन में क्या लग जाएगा, विकसंति।
ये सभी शब्द आपके इनमें कॉलम में दे रखे हैं, इनमें से आपको फाइंड करने होंगे कि कौन सा किसके साथ लगेगा, सेंटेंस कहां पर सही बन रहा है, वो हमें इनके देखना है कि प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, फिर वचन देखेंगे तो उसी के साथ मिलान करेंगे, तभी हमारा वाक्य कंप्लीट होगा, शुद्ध होगा। नेक्स्ट है तुम का क्या होता है, तुम एक के लिए, मध्यम पुरुष एक वचन है। अब इसमें देखो सेकंड वाले में तुम के साथ क्या आना चाहिए, तुम मित्रम, तुम क्या हो, मित्र हो, तो तुम मित्रम असि, तुम मित्र हो। अब असि आ गया, तुम के साथ क्या आता है, ये जब आप सेंटेंस लिखेंगे सभी पूर्ण विराम लगा देंगे, वैसे इन कॉलम के नीचे रहने देंगे आप, ठीक है। तो ये क्या होगा, तुम के साथ क्या आता है, असि, अभी आपको बताया था अस्ति स्तः संति असि, तुम के साथ असि लग गया, तुम मित्रम असि, तुम मित्र हो। नेक्स्ट युवाम किसके लिए आता है, तुम दो के लिए, तुम युवाम। अब युवाम, अब इस कॉलम में क्या आ जाएगा, चिकित्सक का क्या अर्थ होता है, तो पहले क्या आ चुका, चिकित्सक होता है डॉक्टर, तो चिकित्सको किसके लिए आया है, द्विवचन दो के लिए, तुम दो क्या हो, चिकित्सक हो, तो इसमें क्या आ जाएगा, अभी भी बताया था असि स्थे, तो द्विवचन के लिए क्या लग जाएगा, स्थे, विसर्ग लग गए, तुम दो क्या हो, चिकित्सक हो। फिर है यूयम, यूयम का क्या होता है, तुम सब, यूयम, अब इधर इस बीच वाले खे कॉलम में देखिए, तुम सब कुंभकार का अर्थ बताया था आपको कुम्हार, कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो तुम सब कुम्हार हो, तो कुंभकारा। अब इसमें गैसे हम लेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, ये तो द्विवचन के लिए था, बहुवचन के लिए क्या बताया था, बिना विसर्ग का जाएगा, इसमें विसर्ग नहीं लगेंगे, इन दोनों में ये अंतर है, द्विवचन में विसर्ग लगेंगे, बहुवचन में विसर्ग नहीं लगेंगे, कोई भी धातु हो मध्यम पुरुष यही चलता, जैसे पठती पठते पठंती पठसी पठथ पठत, तो द्विवचन में विसर्ग लगता है, बहुवचन में विसर्ग मध्यम पुरुष में नहीं लगता, ठीक है। और इसका लास्ट है एता, एते, एता, ये क्या आ गया, स्त्रीलिंग बहुवचन का शब्द आ गया एता, ये सब क्या है, पिपीलिका, पिपीलिका भी पहले आ चुका है वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, पिपीलिका होती है चींटी, अब पिपीलिका ये बहुवचन होगा, विसर्ग लगे ना, अभी बताया था कि स्त्रीलिंग बहुवचन में हमेशा विसर्ग लगते हैं, अगर विसर्ग नहीं आए तब एक वचन का शब्द है, विसर्ग आ जाए तो बहुवचन का है, तो एता पिपीलिका, अब इसमें क्या आ जाएगा, चीटी क्या करती है, चलती है, तो चल धातु से शब्द क्या बन जाएगा, चलंती, चलती चलते हैं चलंती, ये बहुवचन का, ये सब चीटियां चलती हैं, आ गए समझ में, जैसा मैंने आपको बताया तीनों कॉलम से हमें एक एक शब्द लेने होंगे और उसी इस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे। अब एक बार इनका हिंदी अर्थ आप सुन लेंगे, इसका मीनिंग भी क्या होता है, जैसे इसमें बहुत से शब्द आपके टेस्ट में आ जाते हैं, जैसे पूछ लेते हैं सह का मतलब क्या होता है, मंडूक का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो देखो सह मंडूक अस्ति, ये पूरा वाक्य बन गया, वह मेंढक है, तउ नरौ चलते, वे दो आदमी चलते हैं, ऐसा लेखिका लिखती, यह जो लेखिका है वो लिखती है, एते पुष्पेस्ते, ये दो क्या है, फूल है, ता कलिका विकसंती, वे सब कलियां क्या कर रही हैं, खिलती, खिल रही है, तुम मित्रम असि, तुम मित्र हो, युवाम चिकित्सक स्थ,
तुम दो डॉक्टर हो, चिकित्सक हो। यूयम कुंभकार सत, तुम सब क्या हो? कुंभकार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुम्हार। तुम क्या हो? कुम्हार। तो तुम सब कुम्हार हो। एता पिपीलिका चलंती, ये सब चींटियां क्या करती हैं? चलती हैं। तो बेटा जब आप वीडियो से पहले ध्यान से वीडियो सुना करो, और जब आप लिखने का काम करते हो, जो होमवर्क आपको बुक में दिया जाता है वो बुक में करेंगे एक्सरसाइज, और जब ये लिख दिया जाता है कि ये आपको फिर नोटबुक में करना है, वो कार्य आप नोटबुक में लिखेंगे। लेकिन लिखते समय आप अशुद्धियां नहीं करें, मात्राओं का ध्यान दिया करो। वीडियो में यहाँ भी मैंने भी लिख रखा है और आपकी बुक में भी लिखा रहता है, इसलिए लेख सुंदर हो, लिखाई सुंदर करेंगे और मात्राओं की मिस्टेक गलतियां नहीं करेंगे। बाकी जो आगे हमारे प्रश्न रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।